सुबह के बज रहे हैं 5 और हम हैं अभी राजस्थान के मंडफिया क्षेत्र में श्री सावरिया सेठ के दरबार में। सुबह का प्रातः शिखर दर्शन और ये सावरिया सेठ का दरबार। अब आगे हम लोग अंदर मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, चलिए हम सभी मिलकर दर्शन करते हैं। नमस्कार, जय श्री सावरिया सेठ की। आज हम लोग राजस्थान सावरिया सेठ के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं परिवार सहित। सभी हम लोग मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं, जल्दी आपको अंदर के दर्शन भी करवाएंगे। हम पहुंचे हैं प्रवेश द्वार पे और आप देख सकते हैं सुबह मंगला आरती दर्शन के लिए यहां पर दर्शनार्थी की भीड़ लग चुकी है। और यह है सावरिया सेठ का मुख्य द्वार। अब हम सभी मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, अंदर का दर्शन भी आप सभी को करवाएंगे। तीन तो अभी तक नहीं आया बंदर, तीन बंदर नहीं आया जाने के लिए। हम लोग सावरिया सेठ के मंदिर प्रांगण क्षेत्र में पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण को पूरी तरह से सब कलाकृतियों से बहुत ही सौंदर्यकरण रूप से सजा दिया गया है। और ये मंदिर का प्रांगण स्थल है, यहाँ से सीधे आप लोग मंदिर प्रांगण का दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर रूप से कलाकृतियों के माध्यम से मंदिर का सौंदर्यकरण किया गया है। हम आगे मंदिर के शिखर दर्शन और अंदर प्रांगण के भी दर्शन करेंगे। ये है सावरिया सेठ का मंगला आरती का मक्खन का प्रसाद, जिसके लिए ये लगी हुई है भीड़ यहाँ पर। और मंगला आरती के पर्यंत हम ये प्रसाद पाने के लिए यहाँ सभी खड़े हुए थे और ये मैंने प्रसाद पा लिया है। जय जय श्री सावरिया सेठ की। इसके बाद हम आपको मंदिर का पूरा दर्शन करवाएंगे। जय श्री सीताराम। मंदिर स्थल में अभी हमने मंगला आरती का दर्शन किया, मक्खन का प्रसाद पाया और ये प्रातः मंगल आरती शिखर दर्शन। आप सभी आनंद लीजिए दर्शन मंदिर प्रांगण का। बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियों के साथ में मंदिर का सौंदर्यीकरण किया है। और अभी हम लोग घूम रहे हैं मंदिर के बाहरी स्थल में। आप लोग यहाँ भी पूरी कलाकृतियों के साथ में इसे सजाया गया है और ये सभी दर्शनार्थी मंगला आरती के पर्यंत मंदिर प्रांगण में सभी आनंद ले रहे हैं, सभी सेल्फी ले रहे हैं, यादें ठीक रहे हैं। ये है सावरिया सेठ का प्राकट स्थल और आप पावन दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ का। देखिए पूरा मंदिर कांच से निर्मित है, इसे कांच मंदिर भी कहते हैं। सावरिया सेठ का बड़ा भव्य दिव्य दरबार है। देखिए ये देखिए पूरे मंदिर की दीवारें और छत भी यहाँ पर पूरी कांच की सुंदर सुंदर आकृतियों से निर्मित है। की नगरी में प्रवेश करेंगे और आपको श्रीनाथ जी की गलियों के दर्शन करवाएंगे। ये है
नाथ द्वारा की गलियां, हमारी गाड़ी पहुंच गई है और बस कुछ ही देर में नाथ द्वारा जी के दर्शन के लिए हम प्रस्थान करेंगे।